जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण पुलिस ने कचंदा गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ दो गंभीर अपराध के तहत मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक इस आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते भुवनेश्वर कश्यप और उसकी बेटी का रास्ता रोका और उसने गाली गलौज करते हुए दोनों पर हमला कर दिया। दोनों इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी के भाई की पत्नी ने भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया हुआ है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी ने राज खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ दोनों मामलों में केस दर्ज करके जांच कर रही है। या कुमारी उपासना कश्यप के क्रिटिकल परीक्षा से रहोद में उड़ा छोड़े के नाम से घर से मैं 7-10 मिनट निकले रहे गाँव से 1 किलोमीटर दूरी साजा खार के पास रोड ऊपर श्याम सुंदर हराइस और राड में मतलब रोक करके मतलब मारे के प्रयास करी जान से मतलब मारे के एक राड में वार करी क्योंकि मोर गुड़िया साथ में फिरी से बीच बचाव करें और बाद मोर दांत वगैरह सब टूट गए और थोड़ा पुलिस की जान सहित मारी है इसके के और लक्षरी से। आरोपी श्याम सुंदर के विरुद्ध धारा 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की पतासाजी के लिए एक टीम रवाना की गई है। अभी तक पुलिस हिरासत में आरोपी नहीं आया है। दोनों ही के रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर लिया गया है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।